लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। चाईबासा सिंहभूम संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर गीता कोड़ा ने लाव लश्कर के साथ आज अपना नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत को सुनिश्चित बताया। लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बज चुकी है। चाईबासा संसदीय सीट से आज एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने अपना नामांकन दाखिल किया। हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा इस दरमियान काफ़ी आश्वस्त नजर आई। भीषण गर्मी के बावजूद लाव लश्कर में कोई कमी नहीं दिखी। खुद पूर्व सीएम एवं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रवक्ता जेबी तुबित, गीता बालमुचू, जिला अध्यक्ष संजू पांडे के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। गीता कोड़ा ने दो सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चार सालों में कोई काम नहीं किया है, वो पूरा क्षेत्र में दिखता है। जोगा मांझी जी जिस क्षेत्र से विधायक रही हैं, वो क्षेत्र सबसे ज़्यादा पूरे जिले में अगर कोई पिछड़ा हुआ जगह है तो वो मनोहरपुर है। मनोहरपुर के लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको दिखा करके वो बता सके। आदरणीय मोदी जी ने 10 वर्षों में कई काम किए हैं, वो तो अपना हिसाब भी दे रहे कि भाई 10 वर्षों में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, किसान हो, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने काम किया है। जबकि सरकार के पास में ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए ये धमकाने का काम करती है, डराने का काम कर रही है। लेकिन इनकी धमकी चमकी से भारतीय जनता पार्टी के ना कार्यकर्ता रुकेंगे ना भारतीय जनता पार्टी रुकेगी। मैडम, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह आरोप लग रहा है कि आप जो बीते 5 सालों में कई गाँव में आपने कहीं गया नहीं, कुछ कार्य नहीं किया, इसको लेकर क्या कुछ? ये सब विरोधी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। गीता कोड़ा ने पूरे 5 साल में हर गांव का दौरा किया है, हर गांव का काम किया है। हम लोग जहां भी लोगों ने बुलाया, गांव-गांव में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एकदम अर्बन क्षेत्र हो, इंटीरियर क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह हम लोग गए हैं, लोगों से हम लोगों ने मिला है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ की जन समस्याओं को, जन मुद्दों को लोकसभा में बात रखने का भी काम किया है, वहाँ से काम करने का काम किया है। हेड जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में 16 साल के इंतजार के बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। मामला 20 मार्च 2008 का है। अदालत ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। साक्षी थाना क्षेत्र में पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग करने के मामले में सोमवार को फैसला आया है। कोर्ट ने अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एडीजे 4 आनंद मणि त्रिपाठी के कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि मामले में आरोपी मनोरंजन सिंह लल्लू, बंटी जायसवाल और रितेश राय के खिलाफ अदालत में मामला अलग से चल रहा है। बता दें कि साक्षी थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2008 को आबकारी विभाग कार्यालय के निकट बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने जज आरपी रवि पर गोली मारी थी। इससे जख्मी होकर जज का इलाज टीएमएच में हुआ था। इस संबंध में पत्नी बीरा प्रसाद के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस ने अखिलेश समेत अन्य को आरोपी बनाया था। बीरा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि आरोपी रवि फल लेकर घर लौट रहे थे। जैसे ही आबकारी विभाग के पास पहुंचकर सड़क पार कर रहे थे, वैसे ही बाइक सवार दो अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। घटना 20-3-2008 का साकी थाना कांड संख्या 64-2008 है। आबकारी थाना के साकी में आबकारी थाना के सामने जज आरपी रवि पर गोली चली थी और बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस केस में 4 आदमी के नामजद अभियुक्त बनाया गया था, अखिलेश सिंह, बंटी जैसे ओम प्रकाश भगत उर्फ बंटी जायसवाल, रितेश राय और मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू। ट्रायल चल रहा है केस में, अखिलेश सिंह के सुपर मंडी रिकॉर्ड बाद में आया, उनका अलग चल रहा था, बाकी लोगों को अलग चल रहा था 3 आदमी का। आज ये एडीजी 4 आनंद मणि त्रिपाठी के कोर्ट से अखिलेश सिंह इसमें साक्ष्य के अभाव में बरी हुए। 14 या 15 गवाही इसमें हुआ है तो टोटली दोनों मिला करके, लेकिन कोई गवाह साक्ष्य को प्रूफ नहीं कर पाया। इवन जज आरपी रवि और उनकी पत्नी बीना प्रसाद भी गवाही दे चुकी थी केस में। दलमा वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही है और वन विभाग द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। DFO अभिषेक कुमार पिछले कुछ अरसे से लगातार प्रयासरत हैं।
दलमा वन्य क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आग लगने का सिलसिला जारी है, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी इस पर काबू पाने और आग लगने के सिलसिले को समाप्त करने में जुटे हैं। दलमा वन्य क्षेत्र के DFO अभिषेक कुमार के नेतृत्व में वन कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। अभिषेक कुमार लगातार दलमा वन क्षेत्र में आग लगने की सूचना से वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने और किसी वन्य जीव को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका ख्याल रख रहे हैं। दलमा वन क्षेत्र के DFO अभिषेक कुमार ने बताया कि हालांकि ग्राउंड फायर है जिसमें यह क्षेत्र के पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है, न ही किसी वन्य प्राणियों को इस आग से खतरा है। वन्य प्राणी आग देखते ही दूसरे वन क्षेत्र में चले जाते हैं। उन्हें आग लगने का मुख्य कारण वहां रह रहे लोगों को बताया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अगर जलती हुई बीड़ी फेंक देते हैं तो सूखे पत्ते में आग लग जाती है, मगर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया जाता है। हालांकि उन्होंने मैन पावर की कमी को भी बताते हुए कहा कि आग लगने से मैन पावर की कमी के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साल लग जाती है एक्चुअली, गर्मी काफ़ी गर्मी होने के कारण जो है पत्तों का ढेर जो है एक तरह से कागज़ का ढेर हो जाता है। कोई भी एक चिंगारी लगने से वो कागज़ के ढेर की तरह आग लग जाता है और फिर उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग 6 जगह पे जो है फायर वाचर रखे हैं, एक टीम है, वो सभी टीम मतलब जगह जगह पे जहाँ भी आग लगती है वहाँ तुरंत मूव करता है, गाड़ी है उनके लिए, वो वहाँ मूव करके और फिर उसको बुझाता है, फायर लाइन काटता है, वहाँ पे जो पत्ता है उनको हटा करके या झाड़ी को हटा देता है जिसके कारण आग आगे की तरफ नहीं जाता है। उसके अलावा बीटिंग से जो है वो बुझाता है। इस तरह से काफ़ी कठिनाई का सामना करते हुए जो है वनकर्मी लोग और जो फायर वाचर लोग हैं वो लोग आग बुझा रहे हैं और हम लोग का कोशिश है कि कम से कम आग लगे। देखिए यहाँ पे जो है झारखंड में या फिर इस सेंट्रल इंडिया में आपको ग्राउंड फायर होता है तो इसमें पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचता है, छोटे मोटे जो झाड़ी हैं या पत्ते हैं वो जल जाते हैं और बड़े जानवर वो मूव कर जाते हैं बगल के जंगल में जहाँ पे आग नहीं लगी हो, जो अच्छा जगह पे है। हाँ, जो छोटे छोटे सरीसृप प्रजाति के हैं उनको प्रॉब्लम होता, खास करके उनके अंडों को प्रॉब्लम, अंडा वगैरह जो है उनको प्रॉब्लम होता है। बाकी इन जनरल क्या है कि जैसे आग बुझ गया उसके बाद फिर नॉर्मल सा हो जाता है, जैसे बारिश वारिश हुई तो सब कुछ ठीक ठाक हो, फिर से पुनः जो है वो जला हुआ जो है वो खाद एक्चुअली बन जाता है। PM मॉल के बाहर कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद मॉल के बाउंसरों ने बिरसा नगर के रहने वाले सनी सिंह को पीट कर कथित रूप से घायल कर दिया है। सनी सिंह के साथ उनका परिवार भी था। PM मॉल के पास वाहन पार्किंग करने को लेकर हुए विवाद में बिरसा नगर निवासी सनी सिंह के साथ वहां के बाउंसरों ने कथित तौर पर मारपीट की। घटना में उसका सर में चोट आई है, उसे MGM अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां 3 टांके लगे हैं। इस मामले में PM मॉल के एडमिन हेड सोमेन भट्टाचार्य ने पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। घटना रविवार दोपहर की है। सन्नी पत्नी और बच्चों के साथ मॉल गया था, अपने वाहन को मॉल के बाहर खड़ा कर अंदर जाना चाहा तो वहां खड़े बाउंसरों ने वाहन लगाने से मना कर दिया, जबकि वहां कई वाहन पहले से ही खड़े थे। सिविल का काम करता हूं, प्राइवेट में कहीं भी काम करता हूं और मैं आया हूं क्योंकि देख रहे हैं आप मेरी इतनी पट्टी लगी हुई है, आज मैं मर भी सकता था। क्या हुआ था, पार्किंग को लेकर घटना हुई थी। पार्किंग में अंदर पहले पार्किंग का टिकट कटा लिया, पार्किंग टिकट अंदर कटा लिया, अंदर बिष्टुपुर PM मॉल जो कि प्रकाश झा और RK तिवारी जी का है। मैंने पहले ऊपर गया तो ऊपर में बोला कि जगह नहीं है, तो मैं नीचे गया बेसमेंट में, तो परिवार था, गर्मी भी थी, 6-7 गाड़ी को जगह था, तो हम इन लोगों को बोले कि छोड़ो एक काम करते, 2 मिनट का तो काम है, गाड़ी को बाहर ले जाके 2 मिनट में हम आ जाए तो गाड़ी पे बैठे रहना। तो पार्किंग में साइड में जो गाड़ियाँ लगी रहती है 10-12 गाड़ी पहले से लगी थी, CCTV में आप लोग चेक कर लीजिए, वो गाड़ी के पीछे हम लगा के जैसे उतर के गए तो हमको गार्ड मना किया, तो हम गार्ड को बोले सर भैया हम 2 मिनट में आ जा रहे हैं, तब तक बाउंसर बोला क्या धमकी दे रहे हैं गार्ड को, हम बोले हम क्या धमकी दे रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि 8-10 गाड़ी जब लगा हुआ है तो फिर तो बोलता नहीं 10 रुपये का औकात नहीं है तुम्हारा, तू मैं करके बात कर, हम बोले इस तरीके से आप क्या बात कर रहे हैं जी हमसे आप, तो बस ऐसा बहसा बहसी होते होते वो मारने पर उतारू आ गया
और वो पहले अपना कपड़ा खोल के आया और मेरे से हाथ मांगा कर कलाई मुड़ा, वो पीछे से और दो बाउंसर आए और मेरा सर मार के पूरा फाड़ दिया। 1.5 इंच डीप गड्ढा है मेरा, 6 टांके लगे। यूपीएससी में 17वीं रैंक लाकर पूरे राज्य को गौरवान्वित करने वाली शहर की बेटी स्वाति शर्मा को जमशेदपुर केंद्रीय विश्वकर्मा समाज द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान स्वाति का पूरा परिवार सम्मान समारोह में मौजूद रहा, जिन्हें भी समाज के सदस्यों ने सम्मानित किया। जमशेदपुर केंद्रीय विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि स्वाति शर्मा विश्वकर्मा समाज से आती है और देश के सबसे कठिन परीक्षा में 17वीं रैंक हासिल कर उन्होंने समाज को गौरवान्वित किया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वाति ने केवल होम स्टडीज कर इस परीक्षा को पास किया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में स्वाति शर्मा ने 17वां स्थान प्राप्त कर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के साथ पूरे जमशेदपुर का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जमशेदपुर में कोचिंग की संस्थाएं या पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ उनकी काफ़ी तकलीफें को उन्होंने सामना किया है और एक बार दिल्ली में जाके उन्होंने अपना नामांकन कराया, लेकिन कुछ परेशानियां किसी भी कारण से हो और उन्हें सेल्फ डिफेंस स्वतः घर में बैठ के इस सबसे देश की सबसे कड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इसके लिए हमने आज जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज केंद्रीय कर्मालय में पूरे कमेटी के साथ युवा महिला सभी के साथ आज उन्हें हमने सम्मानित किया। कोवाली पुलिस ने 1 किलो 64 ग्राम गांजे के साथ मुकुल महाकुम नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक होटल में छापामारी की थी। तस्कर सुकू के पास से 1 किलो 64 ग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कोवाली थाना अंतर्गत बालीडीपा गाँव स्थित हाट टोला के पास ओम प्रधान होटल में सुकू महाकुंड द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध गांजा की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही एसएसपी द्वारा मोसाबनी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए छापामारी का निर्देश दिया। टीम ने ओम प्रधान होटल में छापामारी की, जहां से गांजा बरामद किया गया। कि अवैध रूप से जो है गांजे की बिक्री की जा रही है कोवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसी के आलोक में फिर हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और उसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को 1 किलो करीब जो है गांजा बरामद हुआ एक दुकान से, जो कि एक होटल के रूप में कार्यरत थी और वहाँ से वह व्यक्ति उनकी छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करता था। तो इसके लिए हम लोग अपने थाना प्रभारी की प्रशंसा करते हैं, इन्होंने ये अच्छा कार्य किया है और अभी चुनाव के दौरान हम लोग का पूरा प्रयास यही है कि किसी भी रूप में नशे का कोई भी कारोबार जिससे कि चुनाव पे किसी प्रकार का कोई असर पड़ सके हम लोग ना होने दें, तो उसी के क्रम में एक अच्छी सफलता है। आशा करते हैं कि और भी अगर कहीं पर इस तरह का कुछ घटना हो रही होगी तो हम लोग उसकी कार्रवाई करके ऐसे व्यक्तियों को सजा दिलाने में सक्षम होंगे। राजनीतिक परिचर्चा और मतदाता जागरूकता को लेकर हो समाज और मानकी मुंडा संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मतदान के प्रति समाज को जागरूक करने पर बल दिया गया। राजनीतिक परिचर्चा और मतदाता जागरूकता को लेकर शनिवार को हो समाज के बुद्धिजीवियों और मानकी मुंडा संघ की परिचर्चा हुई। परिचर्चा में मतदान के प्रति समाज के जनसाधारण को जागरूक करने का निर्णय लिया गया, साथ ही समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाओं के प्रतिभागियों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। समाज के प्रबुद्धजनों एवं वक्ताओं ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि झारखंड के स्थापना काल के बाद से ही कोल्हान तथा सिंभू में हो आदिवासी का जितना विकास अपेक्षित था उसके अनुरूप नहीं हो पाया है। 3 मुख्य बिंदु है, हमारे आदिवासी में राजनीतिक संगठन नहीं है, आर्थिक मजबूत नहीं है, जिसके चलते हम अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग ने तो मानकी मुंडा लोग 13 अप्रैल को ही अगला रणनीति के बारे में हम लोग फैसला कर चुके हैं। उसमें ऐसा है कि अगला विधानसभा का नया सृजन हम लोग करेंगे, खुद नए अपना पार्टी रहेगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032 सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।